तो ये रनिंग वीडियो सीएसएफ यूनिट एचईसी धुरुआ का है और फर्स्ट बैच का है। तो फर्स्ट बैच में 80 लड़कों को एक साथ दौड़ाया गया था, जिसमें से 58 लड़के पास हुए थे। 200 मीटर, अरे भाग जा भाई, भाग। 2 मिनट पैदल भी जा सकता है, गधा को बोल यार। अरे हम लोग साथ में सामने रहते तो उसको भगवा देते यार भाग। तो देख सकते हो लड़कों को दूसरे जगह ले जाया जा रहा है रनिंग के लिए, और जिस रोड में रनिंग होगा उस रोड का मैंने वीडियो बना दिया अपने चैनल पर, और इनको चेस्ट नंबर भी दिया गया है यहाँ पर। और अभी बजरे सुबह के साथ, तो इनको देखते हैं कब रनिंग स्टार्ट होगी इन सब की। सीएसएफ यूनिट एटीसी धुरुआ में लड़कों का रनिंग इधर होगा, और देख सकते हो लड़कों को लाइन लगा दिया गया है। तो वहाँ कार के पास आप देख सकते हो बच्चों को बैठाया गया है रनिंग के लिए, और ये रनिंग सीएसएफ ग्राउंड एटीसी धुरुआ का है। तो अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, तो अभी बज रहे 7:10, यहाँ मोबाइल में नहीं दिखेगा, 7:10 हो रहा है। देखते हैं कितने बजे रनिंग स्टार्ट होती है। वहाँ जो कार है वहीं पे बैठा जाए, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे फोर्स लग है खड़ी, देख सकते हो, और उन्होंने मना किया आगे आने से। तो देखते हैं इनको कब स्टार्ट होता है रनिंग। और एम्बुलेंस का गाड़ी आ गया है, मतलब स्टार्ट होने वाला है रेस थोड़ी इधर में। जूम करना यार, और जूम नहीं होगा यार, कैमरा लेके आना चाहिए था, कैमरा से होता अच्छा जूम। और मैं पूरा रोड का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन स्टार्टिंग का और आखिरी का जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि जगह जगह पे रोड पे फोर्स है। देखो यहाँ पे भी खड़ा है, उधर भी छाता लेके खड़े हैं, और उससे आगे भी है, तो रोड पे जाना पॉसिबल नहीं है। यहीं से देखते हैं क्या होता है। देखो सभी बैठे हुए हैं अभी रोड पे, अलाउ कर दिया गया है, और अब रेस स्टार्ट होने वाला है। ले टाइम देख तो कितना है, अभी 7:15 हो रहा है। देख सकते हो सभी बच्चों को खड़ा कर दिया गया है। भाई थोड़ा सा आगे हट जाना भाई, थोड़ा सा हट जाना भाई। और देख सकते हो रेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ का शुरू का जो 100 मीटर है वो अच्छा है, और 200 मीटर खराब रास्ता है, तो खाली पर कोई भी मत दौड़ना। और मुझे लगता है ये बैच करीबन 150 की होगी। और देख सकते हो पहला बंदा कितना आगे निकल गया है। वो अच्छा दौड़ रहा है, लेकिन शुरू में यहाँ खींचना नहीं है भाई, आगे रास्ता खराब है आगे। सबको अभी तक तो ठीक दौड़ रहा है, आगे देखते हैं। पीछे वाला बंदा का बहुत खराब चल रहा है, लग रहा तैयारी नहीं है उसका। निकालने के यहाँ सब ज्यादा मुश्किल नहीं है दौड़े। रोड का डाले थे, देखे थे कोई वीडियो? और यहाँ पर पहला लड़का जाते हुए कितना टाइम आ रहा भाई इसका? 17:48 में अभी 17:48 तो अभी 17:50 हुआ, और पहला बंदा आ गया है। खाली पैर दौड़ रहा है पूरा, और यहाँ पर दूसरा लड़का पार होते हुए कितना टाइम बचा अभी यार? 5 इधर तीसरा लड़का आ गया, 18:28 हो गया अभी, और तीसरा लड़का पार हो रहा है अभी। वहाँ तक पास गया फिर सब गया। तो कितना में गया? देखते 19 मिनट हो गया ना?
18:54 चार मिनट बच्चा नहीं है याद है। तीन नंबर है ना। 12-15 लड़का हो गया होगा अभी तक। कितना का बैच बना था? आप लोग कभी ऐसी का बना था बैच? कल हम लोग था कल। अच्छा कल है आपका। और 3 मिनट है ना। बस कहीं पे भी छोड़ा तो गया, छोड़ना नहीं है कहीं पर भी। बस भाई बताइए, 200 मीटर पे गधा रुका है साला। 200 मीटर? अरे भाग जा भाई। अरे भाई मत छोड़ भाई, आज ही ऐसा नहीं आ रहा। वहाँ पे भी बैठ गया हूँ। कहाँ पे बैठ? ना ना योगा कर रहा था पहले से। अरे वो साला 200 मीटर बचा है साला। हुआ भी और कितना टाइम है भाई? अभी 2 मिनट टाइम है भाई। 2 मिनट पैदल भी जा सकता है गधा को बोल यार। अरे हम लोग साथ में सामने रहते तो उसको भगवा देते यार भाई। एकदम गधा है यार वो साला अपने। तो ये रनिंग वीडियो CSF यूनिट HEC धुरुआ का है और फर्स्ट बैच का है। तो फर्स्ट बैच में 80 लड़कों को एक साथ दौड़ाया गया था, जिसमें से 58 लड़के पास हुए थे और 3 लड़के ऐसे थे जिन्होंने 100 मीटर की दूरी पर अपना रनिंग छोड़ दिया। मतलब एक लड़का गिरा तो 2 लड़कों ने उसको देखा देखी अपना रेस छोड़ दिया और 5 लड़कों ने 200 मीटर की दूरी पर अपना रनिंग छोड़ दिया। तो भाई 200 मीटर आपसे दौड़ा नहीं जाता तो यहाँ के क्या फ़ायदा हुआ? तो घर पर रह लेते, आराम कर लेते, उससे अच्छा। 200 मीटर बचा हुआ था और 3 मिनट का टाइम था, उन्होंने रेस छोड़ दिया, बताओ। तो फर्स्ट बैच वालों को सुबह के 7:15 में दौड़ाया गया था और 7:40 में उनकी रेस खत्म हो गई थी। तो अगर आपको यहाँ पे सुबह में दौड़ना है फर्स्ट बैच में तो लगभग 4 बजे आपको यहाँ पे लाइन में लग जाना पड़ेगा। सुबह के 4 बजे गेट पे पहुँच जाओ और लाइन लग जाओ। बाकी सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो रहा है। हाइट में बिल्कुल भी छूट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चेस्ट में अगर आपको थोड़ा सा कम है, जैसे 79 है किसी का, तो वहाँ पे पुशअप मारने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। पुशअप मार के आप अपना चेस्ट एक्सपेंड कर सकते हो। और जो भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं भाई, रेस पूरा कंप्लीट करना। 5 किलोमीटर बहुत ही आसान है, बस अपने खुद के ऊपर विश्वास करना, आराम से रेस निकाल लोगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर दौड़ना। बिल्कुल थोड़ा सा आप है जाने टाइम और 2.5 किलोमीटर के बाद पूरा ढलान है आते वक्त, तो आराम से निकाल लोगे रेस। कोई भी रेस मत छोड़ना, पूरा कंप्लीट करना रेस, और किसी को देखना मत, अपने रेस पर ध्यान देना। बस पेस मेंटेन करके चलना, रेस निकाल लोगे आराम से। और अगर CISF यूनिट HEC रांची के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, कुछ डाउट है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।